बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अहमद, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक क्रिएटिंग टेबल्स। आज हमने टेबल्स को क्रिएट करना है वेब पेज के अंदर HTML कोडिंग को यूज़ करते हुए। जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास वेब पेज के अंदर तमाम कंटेंट्स का कोई ना कोई टैग होते हैं, तो इसी तरह टेबल को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास टेबल का टैग होता है जिसमें हम लिखते हैं TABLE टेबल। ये इसका ओपनिंग टैग है, इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं TR। TR क्या है? TR जो है ये टेबल की टेबल रो की जो है वो टेबल रो का टैग है। जब हमने टेबल रो क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम TR यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपका टॉपिक जो है वो पेज नंबर 111 पर है, चैप्टर नंबर 5 है आपका। TR के बाद हमारे पास एक और टैग हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग का। टेबल हेडिंग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हमने क्रिएट करना है, उसके बाद टेबल की रो क्रिएट करनी है, उसके बाद टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी है जिसे हम TH हमने नाम दिया, जिसमें हम क्या लिखते हैं फर्स्ट नेम। उसके बाद हम टेबल हेडिंग के टैग को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसी तरह आगे देखें जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें हम देख लेते हैं, इसी के नीचे हम लिख लेते हैं फिर टेबल हेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट नेम और टेबल हेडिंग को हम कर देंगे क्लोज, टेबल हेडिंग के टैग को। तो TR का ये हमने इसके अंदर दो हेडिंग्स दिए हैं, इसी तरह हम इसे क्लोज कर देंगे TR के टैग को, टेबल रो के टैग को। अब इसमें क्या होगा, टेबल रो के अंदर हमने क्या किया, दो हमने हेडिंग्स दी हैं, टेबल हेडिंग 1 इसी तरह टेबल हेडिंग 2 और उसके बाद हमने TR को जो टेबल रो है उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज। आगे चलते हैं, आगे हम एक रो और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ फिर हम TR की हेडिंग देते हुए हम इसी तरह टेबल हेडिंग को देख लेते हैं, ठीक है, या फिर टेबल डाटा को देख लेते हैं। अब डाटा हमने क्या पुट करना है, अली और फिर TD के टैग को क्लोज कर देंगे। इसी तरह फिर हम TD का टैग यूज़ करेंगे और फिर हम उसमें क्या लगा देते हैं, अहमद और फिर यहाँ पर TD का टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हमने ऊपर नीचे लिख लिया, आप एक ही रो में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। टेबल डाटा अली, टेबल डाटा का जो टैग हम वो क्लोज करेंगे, फिर टेबल डाटा अहमद और फिर टेबल डाटा के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज। क्यों कर देंगे, फर्स्ट नेम हमारे पास क्या है, अली है और लास्ट नेम हमारे पास क्या है, अहमद है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड रो भी है लेकिन हम इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। आप जितनी मर्जी रोज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें हैंड एंड करना होगा वहाँ पर हम टेबल के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास ये शो क्या होगा, ये हमारे पास शो होगा इस तरह से टेबल, यहां पर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नेम और इसमें हमारे पास क्या शो हो रहा होगा, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारे पास क्या शो होगा, अली और लास्ट हमारे पास क्या शो होगा, अहमद, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास शो हो रहा होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास दो, इसके एक ही कॉलम, एक ही रो के हमारे पास दो कॉलम्स क्रिएट होंगे। फर्स्ट नेम हमारे पास क्या है, अली है और सेकंड नेम हमारे पास, लास्ट नेम हमारे पास क्या है, वो अहमद है। तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो टेबल क्रिएट होगा। आप अपनी मर्जी से रोज़ और कॉलम्स की तादाद अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। तो इसमें हमने फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हम टेबल के टैग से टेबल स्टार्ट करेंगे। TR क्या होता है, टेबल रो होती है, जो कि ये टेबल रो हमने क्रिएट की। इसके अंदर टेबल हेडिंग फर्स्ट नेम,
टेबल हेडिंग मतलब ये जो हमारे पास फर्स्ट नेम की हेडिंग है ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद लास्ट नेम है तो यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा। टेबल रो को हमने यहाँ क्लोज कर दिया, फिर हमने सेकंड रो टेबल रो ली, उसके अंदर हमने टेबल डाटा इंसर्ट किया अली और अहमद, तो अली और अहमद जो है ये दोनों इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और फिर टेबल का टैग यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेज के अंदर। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।